दोस्तों 15 अगस्त 2020 को धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। क्रिकेट क्विज की इस खास वीडियो में आज हम आपसे धोनी के वनडे करियर के बारे में 15 सवाल पूछेंगे। देखते हैं कि आप इन 15 में से कितने सवालों के सही जवाब जानते हैं। सवाल नंबर 1, धोनी ने जब पाकिस्तान के खिलाफ 123 गेंदों में 148 रन ठोककर अपने वनडे क्रिकेट करियर का पहला शतक जड़ा था, तब उन्होंने कितनी गेंदों में अपना शतक पूरा किया था? आपके ऑप्शंस ये रहे, 88 गेंदों में। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में माही ने सिर्फ 88 गेंदों में शतक जड़कर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। सवाल नंबर 2, सभी जानते हैं कि धोनी अपने पहले वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहली ही गेंद पर 0 स्कोर पर ही रन आउट हो गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मैच में धोनी ने विकेटों के पीछे कितने शिकार किए थे? आपके ऑप्शंस हैं, धोनी का पहला मैच इतना खराब रहा था कि एक तो वह शून्य पर रन आउट हो गए, दूसरा विकेट कीपिंग करते हुए भी उस मैच में ना तो उनके हाथ कोई कैच लपकने का मौका बना और ना ही किसी बल्लेबाज को स्टंप आउट करने का चांस बना। सवाल नंबर 3, 15 अगस्त 2020 को धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कब किया था? ये रहे आपके ऑप्शंस, 23 दिसंबर 2004। जी हां, धोनी ने इसी दिन बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। सवाल नंबर 4, धोनी ने जब वनडे मैच में अपना डेब्यू किया था उसी दिन टीम इंडिया के एक और खिलाड़ी ने डेब्यू किया था, क्या आप उस खिलाड़ी का नाम जानते हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस, इसका सही जवाब है जोगिंदर शर्मा। जी हां, एमएस धोनी के साथ ही जोगिंदर शर्मा ने भी 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ ही अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर, जब धोनी ने वनडे क्रिकेट में ओपनिंग की थी तब उनका ओपनिंग पार्टनर कौन था? ये रहे आपके ऑप्शंस, इसका सही जवाब है वीरेंद्र सहवाग। धोनी ने वनडे में सिर्फ 2 बार ओपनिंग की थी और दोनों बार सहवाग ही उनके पार्टनर थे। 2005 में जब पहली बार वे श्रीलंका के खिलाफ ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरे तब धोनी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन जब दूसरी बार वे इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग करने उतरे तब धोनी ने 96 रनों की शानदार पारी खेली थी। सवाल नंबर 6, धोनी ने अपने वनडे करियर में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 विकेट चटकाया था, क्या आप जानते हैं कि वो आउट होने वाला बल्लेबाज कौन था? आपके ऑप्शंस हैं, इसका सही जवाब है ट्रेविस डॉलिंग। जी हां, साल 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान धोनी ने वेस्ट इंडीज के ट्रेविस डॉलिन को बोल्ड कर उनका विकेट चटकाया था। सवाल नंबर 7, वनडे करियर में धोनी ने कितने शतक बनाए थे? आपके ऑप्शंस ये रहे, इसका सही जवाब है 10 शतक। धोनी ने 9 शतक टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए बनाए थे और 1 शतक उन्होंने एशिया 11 की तरफ से खेलते हुए बनाया था। उस वनडे मैच को भी इंटरनेशनल क्रिकेट में दर्ज किया गया था। सवाल नंबर 8, हम सभी जानते हैं कि धोनी ने नुवान कलासेकरा की गेंद पर छक्का जड़कर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धोनी ने उस फाइनल में पहली गेंद किस गेंदबाज की खेली थी? आपके ऑप्शंस हैं,
इसका सही जवाब है दिलशान। जी हाँ, वो तिलक रत्न दिलशान ही थे जिन्होंने विराट कोहली को कॉटन बॉल किया था और धोनी मैदान में उतरे और उन्होंने पहली गेंद तिलक रत्न दिलशान की ही खेली थी। सवाल नंबर 9, धोनी ने विकेटों के पीछे कई बल्लेबाजों के स्टंप्स भी घेरे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धोनी वनडे क्रिकेट में खुद कितनी बार स्टंप आउट हुए थे? आपके ऑप्शंस ये रहे, 2 बार। जी हाँ, एमएस धोनी अपने वनडे करियर में सिर्फ 2 बार ही स्टंप आउट हुए थे। सबसे पहली बार 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ, तो वहीं दूसरी बार वे वर्ल्ड कप 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ स्टंप आउट हुए थे। सवाल नंबर 10, वनडे क्रिकेट में धोनी ने अपना हाईएस्ट स्कोर नाबाद 183 रन किस शहर में बनाया था? आपके ऑप्शन ये रहे, इसका सही जवाब है जयपुर। जी हाँ, श्रीलंका के खिलाफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही धोनी ने अपने वनडे करियर का हाईएस्ट स्कोर बनाया था। सवाल नंबर 11, धोनी ने वनडे क्रिकेट में किस खिलाड़ी के साथ सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां की हैं? आपके ऑप्शन ये रहे, इसका सही जवाब है युवराज सिंह। धोनी ने वनडे मैचों में युवराज सिंह के साथ मिलकर 10 बार शतकीय साझेदारियां की थी। सवाल नंबर 12, वनडे क्रिकेट में धोनी ने कितने छक्के लगाए हैं? आपके ऑप्शंस हैं, इसका सही जवाब है 229 छक्के। वनडे में हिटमैन रोहित शर्मा के बाद एमएस धोनी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। सवाल नंबर 13, एमएस धोनी के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को स्टंप आउट करने का रिकॉर्ड दर्ज है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने वनडे में कितने बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया था? आपके ऑप्शन हैं, इसका सही जवाब है 123। एमएस धोनी के बाद श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा हैं, जिनके नाम वनडेज में 99 स्टंपिंग्स हैं। सवाल नंबर 14, धोनी ने अपना आखिरी वनडे शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? ये रहे आपके ऑप्शंस, इसका सही जवाब है टीम इंग्लैंड। जी हाँ, तब धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ 122 गेंदों में 134 रनों की शानदार पारी खेली थी और इसी मैच में धोनी के साथ ही युवराज सिंह ने भी अपने वनडे करियर का आखिरी शतक लगाया था। युवराज ने 127 गेंदों में 150 रन बनाए थे। और अब आखिरी सवाल नंबर 15, धोनी ने टीम इंडिया के लिए 200 वनडे मैचों में कप्तानी की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 200 मुकाबलों में से टीम इंडिया कितने मुकाबले जीती थी? ये रहे आपके ऑप्शंस, इसका सही जवाब है 110 मैच। जी हाँ, धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे क्रिकेट में 110 मुकाबले जीती थी। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि आप इन 15 सवालों में से कितने सवालों के सही जवाब जानते थे, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो धोनी के फैंस हैं।